सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर जो स्टेटस वीडियो को देखा, तो आज की इस वीडियो में आपको इसी तरीके का वीडियो बनाने सिखाऊंगा कि आप अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। अगर आपको अपना खुद का इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाना है तो यार आप मेरे वीडियो को ध्यान से आपको पूरा वॉच करना होगा। और गाइस, अगर आप मेरे वीडियो को बीच में स्किप कर देते तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो चुका है। या फिर फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो एंड मैसेज कीजिए तो गाइस, मैं आपको इस ऐप का लिंक डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। तो गाइस, मेरे टेलीग्राम चैनल का और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज करता हूँ, वो सारा मटेरियल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कुछ भी डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्टली उन सारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्लस का आइकन दिखता होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको 1.1 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। और अब आपको क्या करना है, आपको एक ऑप्शन दिखता होगा मीडिया का, तो आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा और आप जिस इमेज का स्टेटस बनाना चाहते हैं उस इमेज को इनपुट करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उस इमेज को इनपुट कर लेता हूं। तो ये हमारा इमेज आ चुका है। सबसे पहले आप इसके लेंथ को कुछ इस तरीके से आपको खींच के बढ़ा लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस तरीके से अपने इमेज को जूम कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको इक्वल का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करने से लॉक कर देना है। फिर आपको टिक पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको साइड में एक ऑप्शन दिखता होगा एडजस्टमेंट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको बीच वाला जो ऑप्शन मिलता है उसे गाइस इस तरह आपको प्लस कर लेना है। तो इतना हमारा हो चुका है। फिर आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको फिर से अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा और आपको साइड में एक ऑप्शन दिखता होगा क्लिप ग्राफिक्स, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको ग्राफिक्स डाउनलोड कर लेना जो कि इस नेम से नियॉन फ्रेम्स। अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो आपको करना क्या होगा, आपको गेट मोर में क्लिक करना होगा और गाइस आपको लेना स्टाइलिश में। तो आपको स्टाइलिश में जाने के बाद आपको मिल जाएगा इस जगह पर, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आ चुका है। तो अभी डाउनलोड कर चुका हूं, तभी मैं कट कर लेता हूं। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप जब भी डाउनलोड कीजिएगा आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप इनमें से कोई सा भी इनपुट कर सकते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है उसमें से इनपुट कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। तो गाइस, मैं इसे इनपुट कर लेता हूं, तो नहीं फ्रेंड्स, मैं इसे इनपुट कर लेता हूं जो कि कुछ बेटर लगता है। तो आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है आप उसे इनपुट कर लीजिएगा, फिर आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो हमारा इतना बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको इस वीडियो को इनपुट कर लेना है जो कि ऑडियो स्पेक्ट्रम। इसमें फ्रेंड्स आपको पहले से सॉन्ग अवेलेबल मिल जाता है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना होगा और गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग में जाना होगा, इसे कर देना आपको स्क्रीन। तो हमारा स्क्रीन हो चुका है और आप अपने हिसाब से जूम कर लीजिएगा और आपको इस जगह पर इसे इनपुट कर लेना है। तो इनपुट हमारा हो चुका है। तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारा वीडियो ऐड हो चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको गाइस इसमें फिर से एक वीडियो इफेक्ट ऐड करना होगा। तो उसके लिए आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस उसे मैं इनपुट कर लेता हूँ, तो ये हमारा वीडियो इफेक्ट आ चुका है, अभी आप देख पा रहे होंगे। आपको करना कैसे, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना। फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा, नीचे स्लाइड कीजिएगा, ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में जाकर आपको इसे कर देना स्क्रीन। तो हमारा स्क्रीन हो चुका है, वीडियो इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको इसमें फिर से एक वीडियो इफेक्ट ऐड करना है, लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारा आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे हमारा आ चुका वीडियो इफेक्ट। आपको करना है कैसे, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना। फिर आपको टिक पर क्लिक करना होगा और आप नीचे स्लाइड की जगह ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में जाकर इसे कर देना आपको स्क्रीन। तो हमारा वीडियो इफेक्ट स्क्रीन पर लग चुका है। और अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से जितना लंबा वीडियो रखना चाहते आप रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसे 15 सेकंड तक रख लेता हूं, तो मैं 15 सेकंड तक रख लेता हूं और पीछे का जो फालतू पार्ट है मैं कट कर लेता हूं। लेयर पर क्लिक करना है, कैंची पर क्लिक करना है, आपको कर देना ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट, तो आपका पीछे का जो फालतू पार्ट वो कट के हट जाएगा। आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है कैंची पर जाके, तो आपका पीछे का फालतू पार्ट इस तरीके से कट के हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कट कर लीजिएगा।
तो हमारा कट चुका है, 15 सेकंड तक वीडियो बन चुका है। और अब आपको क्या करना होगा, आपको लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको फ्रेम पीएनजी ऐड कर लेना है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेम पीएनजी को। तो हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा। स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है, फिर आपको टिक पर क्लिक करना है और इसके लेंथ को आपको खींच के बढ़ा लेना है कुछ इस तरीके से। तो फाइनली हमारा स्टेटस बन के तैयार हो चुका। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको लेयर पर क्लिक करना, आपको ऑप्शन मिलता है ओवरले का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और आपको एक ओवरले डाउनलोड कर लेना जो कि इस नेम से। अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो आपको करना है क्या होगा, आपको गेट मोड में क्लिक करना होगा और गाइस आपको चले डेकोरेटिव में, तो आपको इस जगह पर मिल जाएगा। तो अपने तो गाइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप स्लाइड करते रहिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो आपको ढूंढ लेना है, तो ये हमारा आ चुका है, आपको करना है कि ऐसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ। तो गाइस मैं बैक आ जाता हूँ, तो मैं बैक आ गया। और अब आपको क्या करना है, आपको जो पांचवें नंबर वाला मिलता है आपको ऑप्शन ओपन का, तो आपको उसे आप उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको टिक पर क्लिक करना है। फिर आपको करना है क्या होगा, आपको इस ओवरले को इस तरह जूम कर लेना है और आपको इस जगह पर इसे इनपुट कर लेना है। तो फाइनली हमारा स्टेटस बनके तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसे एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा स्टेटस बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा स्टेटस किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप भी अपना इस तरीके से स्टेटस को बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही आज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और आप जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो गाइस मैं ऐसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस जब तक हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो तब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।